नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट में अपने फेवरेट फिल्टर को आप कैसे सेव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी स्नैपचैट पर अपने फेवरेट फिल्टर को अगर आप सेव करके रखना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट पर अपने फेवरेट फिल्टर को आप किस प्रकार से आप फेवरेट ऑप्शन में कैसे सेव कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और गाइस आपको ऑल पर सेट कर देना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप भी स्नैपचैट पर अपने फेवरेट फिल्टर को अगर आप सेव करना चाहते हो, गाइस अगर आपको नहीं पता कि स्नैपचैट पर फिल्टर कैसे सेव कर सकते हैं तो सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट ऐप को ओपन करना है। स्नैपचैट ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, इस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्नैपचैट में बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। गाइस आप जिस भी फिल्टर को अपने फेवरेट ऑप्शन में सेव करना चाहते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस स्नैपचैट में जितने भी फिल्टर वो सभी फिल्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों आप जिस भी फिल्टर को फेवरेट ऑप्शन में सेव करना चाहते हो यहाँ पर आपको उस फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर एक दो फिल्टर को सेव करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर इस फिल्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की ओर आपको एक फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर ये जो फिल्टर है वो फेवरेट ऑप्शन में यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर इस फिल्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की ओर आपको सिंपली फेवरेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फिल्टर है वो फेवरेट ऑप्शन में यहाँ पर सेव हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप स्नैपचैट में जिस भी फिल्टर को फेवरेट ऑप्शन में सेट करना चाहते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको उस फिल्टर को सेलेक्ट करना, नीचे की ओर आपको फेवरेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो फिल्टर जो है आपके फेवरेट ऑप्शन में सेट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर की ओर आपको फेवरेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपके जितने भी फेवरेट फिल्टर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप स्नैपचैट पर अपने फेवरेट फिल्टर को बड़ी आसानी से आप फेवरेट ऑप्शन में सेट कर सकते हो, और वहाँ से आप किसी भी फिल्टर को आप अपने मनपसंद से यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।